Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you lesson number 5, that is on giving advice by Joseph Edison from your book A Rainbow of English class 12 Punjab School Education Board in the subject of general English. तो चलिए करते हैं इस लेसन की हिंदी. English author, politician and distinguished classical scholar Joseph Edison is considered one of the finest periodical essayists of the 18th century. जोसेफ एडिसन जो कि अंग्रेजी भाषा के लेखक, राजनीतिज्ञ तथा प्रसिद्ध उच्च कोटि के विद्वान थे, 18वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ नियतकालिक निबंधकारों में से एक माने जाते हैं. विद हिज फ्रेंड रिचर्ड स्टीले एडिसन फाउंडेड द स्पेक्टेटर, अ डेली मैगजीन इंटेंडेड टू एनलिवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी. इन दिस शॉर्ट एसे एडिसन कंसिडर्स द परसुएसिव पावर ऑफ फेबल्स. अपने मित्र रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर एडिसन ने द स्पेक्टेटर नामक एक दैनिक पत्रिका की स्थापना की, जिसका उद्देश्य नैतिकता को हाजिर जवाबी से सजीव बनाना तथा हाजिर जवाबी को नैतिकता से सुशील बनाना था. सच नरेटिव्स ही सेज आर इफेक्टिव वेज ऑफ गिविंग एडवाइस बिकॉज रीडर्स आर लेफ्ट टू इमेजिन दैट दे आर काउंसलिंग देमसेल्व्स. इस संक्षिप्त निबंध में एडिसन काल्पनिक कहानियों की प्रेरक शक्ति पर विचार करता है और उसका कहना है कि ऐसी कहानियाँ परामर्श देने का प्रभावशाली माध्यम है, क्योंकि पाठक ये कल्पना करते हैं कि वे अपने आप से सलाह कर रहे हैं. This is nothing which we receive with so much reluctance as advice. सलाह से बढ़कर ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है जिसे हम अधिक बेमन से प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारी इच्छा नहीं होती है किसी का परामर्श लेने की, लेकिन फिर भी हम लेते हैं. We look upon the man who gives it to us as offering an affront to our understanding and treating us like children or idiots. और फिर जो व्यक्ति हमें सलाह देता है, हम समझते हैं कि वह हमारी समझ का अपमान कर रहा है और हमें बच्चा या मूर्ख समझ रहा है. वी कंसीडर द इंस्ट्रक्शंस एज एन इम्प्लिसिट सेंसर्स एंड द जील विद एनीवन शोज फॉर आर गुड ऑन सच एन ओकेजन एज अ पीस ऑफ एरोगेंस एंड इम्पर्टेंस. हम उसकी सलाह को एक मूर्ख निंदा समझते हैं और अगर कोई हमारे भले के लिए जोश दिखाता है तो हम उसका घमंड या उसकी धृष्टता समझते हैं. द ट्रूथ ऑफ इट इज द पर्सन हु प्रिटेंड टू एडवाइस डस इन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज अ सुपीरियरिटी ओवर अस. इसकी सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति हमें सलाह देने का दिखावा करता है उस विशेष अवस्था में हम पर श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करता है. ही कैन हैव नो अदर रीजन फॉर इट बट दैट इन कंपेयरिंग अस विद हिमसेल्फ ही थिंक्स अस डिफेक्टिव ईदर इन आर कंडक्ट और इन आर अंडरस्टैंडिंग. और उसके पास इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता कि वह हमारी तुलना अपने आप से कर रहा है और हमें या तो हमारे व्यवहार में या समझ में दोषपूर्ण मानता है. फॉर दीज रीजन्स देयर इज नथिंग सो डिफिकल्ट एज द आर्ट ऑफ मेकिंग एडवाइस agreeable and indeed all of the writers both ancient and modern have distinguished themselves among one another according to the perfection at which they have arrived in this art. इन कारणों से इस बात से अधिक मुश्किल कोई अन्य काम नहीं है कि सलाह को रुचिकर बनाया जाए और वास्तव में प्राचीन और आधुनिक सभी लेखकों ने स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ साबित किया है उस पूर्णता के अनुसार जिससे उन्होंने इस कला को प्राप्त किया है. हाउ मैनी डिवाइसेस हैव बीन मेड यूज ऑफ टू रेंडर दिस बिटर पोर्शन पैलेटेबल. सम कन्वे देयर इंस्ट्रक्शंस टू अस इन द बेस्ट चोजन वर्ड्स, अदर इन द मोस्ट हारमोनियस नंबर्स एंड सम इन द पॉइंट्स ऑफ विट एंड अदर्स इन शॉर्ट प्रोवर्ब्स. इस कड़वी दवा या सलाह ठीक है को मीठा बनाने के लिए कितने अधिक तरीके प्रयोग किए गए हैं. कुछ लेखक अपनी सलाह को श्रेष्ठ चुने हुए शब्दों द्वारा देते हैं और अन्य लोग बहुत मीठे शब्दों में और कुछ हाजिर जवाबी से और कुछ अन्य मुहावरों के साथ. बट अमंग ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग काउंसल आई थिंक द फाइनेस्ट एंड द एंड दैट विच प्लीजेज द मोस्ट यूनिवर्सली इज फेबल इन व्हाटसोएवर शेप
इट अपियर्स। मगर सलाह देने के सब भिन्न तरीकों में मेरे विचार में सबसे पहले बेहतर हैं और सबको प्रसन्न करता है वह दृष्टांत के द्वारा, वह चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। इफ वी कंसीडर दिस वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग और गिविंग एडवाइस, इट एक्सेल्स ऑल अदर्स बिकॉज इट इज द लीस्ट शॉकिंग एंड द लीस्ट सब्जेक्ट टू दोज एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस विच आई हैव बिफोर मेंशनड। और अगर सलाह देने के इस रूप पर विचार करें तो देखेंगे कि यह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सबसे कम नाराज करता है और उन बातों पर सबसे कम असर करता है जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। दिस विल अपीयर टू अस इफ वी रिफ्लेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस दैट अपॉन द रीडिंग ऑफ अ फेबल वी आर मेड टू बिलीव वी एडवाइज आवरसेल्व्स। और अगर हम सबसे पहले इस पर विचार करें कि किसी दृष्टांत को पढ़ने पर हमें यह लगेगा कि हम खुद को सलाह दे रहे हैं। We pursue the author for the sake of the story and consider the precepts rather as our own conclusion than his instructions. हम लेखक को कहानी की खातिर पढ़ते हैं और उन सिद्धांतों को उसके निर्देशों की बजाय खुद के निष्कर्ष मानते हैं। द मोरेल इंसिनुएट्स इटसेल्फ इम्परसेप्टिबली। वी आर टॉट बाय सरप्राइज एंड बिकम वाइजर एंड बेटर अनवेयर्स। वह शिक्षा अदृश्य रूप से हमारे अंदर समा जाती है। हम हैरान होकर सीखते हैं और अनजाने में ही बुद्धिमान और बेहतर बन जाते हैं। इन शॉर्ट बाय दिस मेथड अ मैन इज सो फार ओवररीच्ड एज टू थिंक ही इज डायरेक्टिंग हिमसेल्फ व्हिल्स्ट ही इज फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ अनदर। कंसिक्वेंटली ही इज नॉट सेंसिबल ऑफ दैट व्हिच इज मोस्ट अनप्लेजिंग सर्कमस्टेंस इन एडवाइस। संक्षेप में इस तरीके से एक व्यक्ति इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह सोचता है कि वह स्वयं को निर्देशित कर रहा है जबकि वह किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर अमल कर रहा होता है। परिणाम स्वरूप वह उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता जो कि किसी सलाह में सबसे अधिक नाराज करने वाली होती है। इन द नेक्स्ट पेज If we look into human nature, we shall find that the mind is never so much pleased as when she exerts herself in any action that gives her an idea of her own perfections and abilities. अगली बात के तौर पर अगर हम मानवीय स्वभाव पर विचार करें तो हम देखेंगे कि मन किसी भी बात पर अधिक खुश नहीं होता बजाय इसके कि जो हमें हमारे स्वयं की पूर्णता और योग्यता का विचार दें। दिस नेचुरल प्राइड एंड एम्बिशन ऑफ द सोल इज वेरी मच ग्रेटिफाइड इन द रीडिंग ऑफ अ फेबल फॉर इन राइटिंग्स ऑफ दिस काइंड द रीडर कम्स इन फॉर हाफ ऑफ द परफॉर्मेंस एवरी थिंग अपीयर्स टू हिम लाइक अ डिस्कवरी ऑफ हिज ओन। आत्मा का ये प्राकृतिक गर्व और महत्वाकांक्षा किसी दृष्टांत को पढ़कर बहुत संतुष्ट होती है क्योंकि इस प्रकार के लेखन में पाठक आधे काम को खुद का समझता है। हर वस्तु उसे अपनी खोज प्रतीत होती है। ही इज बिजी ऑल द वाइल इन अप्लाइंग कैरेक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज बोथ अ रीडर एंड अ कंपोजर। वह सारा समय चरित्रों और परिस्थितियों को लागू करने में लगा रहता है और इस प्रकार से वह पाठक और रचयिता दोनों ही होता है। द ऑब्लिक मैनर ऑफ गिविंग एडवाइस इज सो इनऑफेंसिव दैट इफ वी लुक इन टू एन एंशियंट हिस्ट्रीज वी फाइंड The wise men of old very often chose to give counsel to their kings in fables. सलाह देने का प्रत्यक्ष तरीका इतना कम नाराज करने वाला होता है कि अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ें तो हम देखेंगे कि पुराने समय के अक्लमंद लोग राजाओं को अक्सर दृष्टांतों या कहानियों के द्वारा शिक्षा देते थे। There is one pretty instance of this nature in a Turkish tale. और तुर्की की एक कहानी में इस बात का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। वी आर टोल्ड दैट द सुल्तान महमूद बाय हिज
perpetual was abroad and his tyranny at home had filled his kingdom with ruin and desolation, and half unpeopled the Persian Empire. हमें सुल्तान महमूद के बारे में बताया गया है कि अन्य देशों के साथ लगातार युद्ध करके और अपने ही देश में अत्याचार करके उसने अपने राज्य को विनाश और उजाड़ से भर दिया था और फारस के साम्राज्य के आधे लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जो युद्ध होता है वो जान और माल दोनों का ही नुकसान करता है। और जो सुल्तान महमूद था उसको युद्ध करना पसंद था, जीत पसंद थी, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसने अपने राज्य को उजाड़ दिया है। द विजिट टू हिज ग्रेट सुल्तान वेदर अ हिमरिस्ट और एन एंथुजिस्ट वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड प्रिटेंडेड टू हैव लर्न्ड ऑफ अ सर्टेन डिवाइस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स सो दैट देयर वॉज नॉट अ बर्ड दैट कुड ओपन हिज माउथ बट द विजियर न्यू वट इट वॉज ही सेट। इस महान सुल्तान का वजीर, पता नहीं कि वह हास्यवादी था या जोशीला, इस बात का दावा करता था कि उसने एक तरीका सीखा है जिसमें वह पक्षियों की भाषा समझ सकता है, और इसलिए कोई ऐसा पक्षी नहीं था जिसके मुंह खोलते ही वजीर उसकी बात समझ नहीं सकता था। As he was one evening with the emperor in their return from hunting, they saw a couple of owls upon a tree that grew near old wall out of a heap of rubbish। और फिर एक दिन जब वे शिकार से लौट रहे थे तो अपने सुल्तान के साथ था, तो उन्होंने कूड़े के ढेर के पास एक पुरानी दीवार के बीच में से उगे हुए एक वृक्ष पर तो उल्लू देखे। I would like to know, says the Sultan, what those two owls are saying to one another. सुल्तान ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दो उल्लू एक दूसरे से क्या बात जो है वो कर रहे हैं। लिसन टू दियर डिस्कोर्स एंड गिव मी एन अकाउंट ऑफ इट। उनकी बातचीत सुनो और मुझे उनकी बात है जो वो कर रहे हैं आपस में उसको समझाओ। द विजीर अप्रोच द ट्री प्रिटेंडिंग टू बी वेरी अटेंटिव टू द टू ओल्स। और वजीर वृक्ष के पास गया और उल्लुओं की बात सुनने का ढोंग किया। अपॉन हिज रिटर्न टू द सुल्तान, वापस आकर उसने सुल्तान से कहा, सर सीज ही, उसने कहा, श्रीमान जी, आई हैव हर्ड पार्ट ऑफ दियर कन्वर्सेशन बट आई डेयर नॉट टेल यू व्हाट इट इज। मैंने उनकी बात से सुन लिया मगर मैं वह बात आपको बताने का साहस नहीं कर सकता। द सुल्तान वुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद सच एन आंसर, ही फोर्स्ड हिम टू रिपीट वर्ड फॉर वर्ड एवरीथिंग द ऑल हैड सेड। सुल्तान इस उत्तर से स्पष्ट नहीं हुआ, उसने वजीर को मजबूर किया कि वह उसे उल्लुओं द्वारा कही गई बात का एक एक शब्द कहे। You must know then, said the vizier. वजीर ने कहा, अगर आप अवश्य ही जानना चाहते हैं तो सुने। That one of these owls has a son, कि इनमें से एक उल्लू का बेटा है, and the other a daughter, और दूसरे की बेटी है, between whom they are now upon a treaty of marriage, जिनकी कि वो आपस में शादी करना चाहते हैं। The father of the son said, लड़के के पिता ने कहा, टू द फादर ऑफ द डॉटर, लड़की के पिता से, इन माई हियरिंग, मेरे सुनने के मुताबिक, ब्रदर आई कंसेंट टू दिस मैरिज प्रोवाइडेड यू विल सेटल अपॉन योर डॉटर 50 villages फॉर हर पोर्शन। और फिर वो कहता है कि मैं इस शादी के लिए केवल तभी हाँ करूँगा अगर तुम दहेज में 50 उजड़े हुए गाँव दोगे। To which the father of the daughter replied, instead of 50, I will give her 500 if you please. इस पर लड़की के पिता ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 50 की बजाय 500 उजड़े हुए गांव दूंगा। God grant a long life to Sultan Mahmud, whilst his reign over us, we shall never want ruined villages. और कहता कि भगवान हमारे सुल्तान महमूद की उम्र लंबी करे, जब तक उसका शासन रहेगा ना हमें उजड़े हुए गांव की कमी नहीं रहेगी। यानी कि वज़ीर ने जो बात
उसको डायरेक्टली नहीं कह पाया, वो उसने प्रिटेंड किया कि वो उनकी भाषा जानता है और लोग क्या बात कर रहे हैं, उनकी भाषा को उसने अपने शब्दों में बता दिया। द स्टोरी सेज द सुल्तान वाज सो टच्ड विद द फेवर दैट ही रिबिल्ट द टाउन्स एंड विलेजेस विच हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ऑलवेज वर्क्ड फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल। कहानी के अनुसार सुल्तान इस कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जिन कस्बों और गांव को नष्ट किया था उन्हें फिर से बनवा दिया और उस दिन के बाद से सदा लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी विद अ ब्यूटिफुल मैसेज बाय जोसेफ एडिसन। आई होप कि आपने ये वीडियो जो है एंड तक देखा होगा और आपको ये समझ भी आ गई होगी पूरे की पूरे लेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।